श्रीकृष्ण रूप रे जमुना तट रे बन रे बंशी बादन आनंदे करीण गोपी मुखु पद्म करियछ सुधा पान रमा शिव ब्रह्मा बासव गणेश पूजंती पद तुम्भर प्रभु जगन्नाथ नयन पथे गोचर हुअंतु मोर प्रभु जगन्नाथ नयन पथे गोचर हुअंतु मोर बाम हस्ते बंशी सिरे सिखी पुच्छ कटी देशे पीतांबर सहचर गणे करुथिले प्रभु संकेतरे नयनर श्री वृंदावन रे बास आउ लीला अत्यंत प्रिय तुम्भर प्रभु जगन्नाथ नयन पथे गोचर हुअंतु मोर महोदधी रे कनक बरन श्रीनीलगिरी शिखरे मंदिरे बसीछ महाबली भ्राता बलभद्र सहित रे मध्यरे सुभद्रा सकला देवंकु दिय सेवा अवसर प्रभु जगन्नाथ नयन पथे गोचर हुअंतु मोर जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन असरण शरण सर्वकारण कारण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार जगदीश्वर संसार सार चीर सुंदर करुणाकर नंद कुमार तत्व आधार मूर्ति आकार मूर्ति मधुर नीलाद्रिकंद गोप गोविंद भाव विनोद मन मुकुंद परमानंद आनंद कंद जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगल रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर अगणित अनंत भक्तवृंद माने जगन्नाथ प्रेमी भक्तवृंद माने जो माने दर्शन करुछंति महाप्रभुंकर सीधा प्रसारण रे परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु मोर बापा माँ भाई भोनी माने आपण मानंकु समस्तंकु शुभ संध्या या किंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति ओ सम्मान अर्पण करुच्छी संध्यार समय घरे घरे पुरपल्ली रे लागिछि जय जगन्नाथ टीवी आउ जय जगन्नाथ टीवी रे जगन्नाथ प्रेमी भक्त माने सुनुछंति प्रभुंकर कथा दर्शन करुछंति महाप्रभुंकर पतित पावन नारायणंकर सुंदर दर्शन करुछंति एवं भक्त माने मध्य दर्शन पई भिड़ तो रहिबो कारण कार्तिक मास रे भिड़ कार्तिक मास रे जदि भिड़ न रहिबो परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र तो बार मास जाक भिड़ एठी सबुबेले भिड़ मनुष्य जन्म पाइकरी जगन्नाथ को भजिबा इकड़े दुर्लभ कथा जंतूनाम नरजन्म दुर्लभ मत पुस्तं ततो विप्रता तस्मात् द्वैदीक धर्म पार्ग परता विद्वत्तमसमात् परम आत्मानात्म विवेचनं सनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थित रमुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते समस्त जीवमानंकर गोटिए मनुष्य जन्म लाभ करिबा होचि आज्ञा दुर्लभ कथा संसार रे एते जीव अछंती गोटे मनुष्य जन्म पाइबा दुर्लभ कथा नुह मनुष्य जन्म भितर पुणी ताठारु अधिक दुर्लभ होचि गोटे पुरुष शरीर लाभ करिबा
ताठारु आहुरी अधिक दुर्लभ होउची विप्रत्तोलाभ करिबा। तथापि आहुरी दुर्लभ होउची कौन ना वैदिक मार्ग रे प्रति आसक्त रहिबा। ताठारु आहुरी दुर्लभ कौन ना शास्त्र मानंक प्रति अनुरक्ति। आत्मा अनात्मा मध्यरे थिबा प्रभेदर विचार, आत्म उपलब्धि एवं ब्राह्मी स्थिति रे अवस्थान करिबा। जगन्नाथ महाप्रभुंकर दास भक्त भक्तटिए हेइबा ये होची दुर्लभ कथा संसार रे। जंतुनां मानुषो जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म मनुष्य जीवन रो लाभ। गोविंद जदि गोविंद करे लाभ, गोविंद जदि प्रभुंकर चरणारविंद जुगल रे मनुष्य जन्म पाइकरि भाव हो जाइछि। अति सरल रे जदि आमे बुझिबा जगन्नाथ हमकु भलो लागुचंती, जगन्नाथंक बिना आउ संसार भलो लागुनी। सेति पाई तो लक्ष लक्ष भक्त आज दौड़ी करी आसीचंती, देखिले केते भक्त आसीचंती। सिंह द्वारे भीड़ा भीड़ी बाजुअछि बेत बाड़ी, आज जगन्नाथ को दर्शन करवाई के आज किभली भाव में भक्त मानकर भिड़ लगी। कालिया शांत देखिए कौस्तुभमणि जहार कंठ तटर हार क्यों माला दे पूजी आहे नीलाद्रीवर। केड़े बड़ ठाकुर वरुण जहाँकर शशुर जहाँ भंडार रक्षापाल होती कुबेर जो जाऊ जो प्रभुंकर पाद पद्म स्पर्शरे पाषाण रु अहल्या उद्धार हो गले। आउ जो पाद पद्म लागी सप्त कल्प पर्यंत भूषंड कल्पवटरे रहिले, जो पाद लागी पाताल लोकरे बळी रहिले, जो पाद लागी मार्कंड सप्त कल्प बंचिले। आउ जेउ पाद पद्म ध्याइन अगस्त्य महा ऋषि गंडूष मात्र के शपत सिंधु थीले टी शोषी। से परम दयालु परम कृपालु भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ। जगते जेते देव तिनी विष्णु शंकर पद्म जोनी इतिनि मध्ये जे कारण से अंभ यज्ञ रे वरण। जेतेबेले भृगु आदि ऋषि माने सरस्वती नदी कूल रे एक यज्ञ करिछंती, यज्ञ करिबा पई स्थिर करिछंती, से यज्ञ रे ब्रह्मा विष्णु शिवंक मध्यरु जिए श्रेष्ठ कहले किए श्रेष्ठ ये त्रिदेवंक मध्यरु आहा भक्त दंडवत प्रणाम करुछंती। एही प्रभुंकर द्वारा आसिकरि जेतेबेले भक्त गुहारी करि दियंती दुख सुख सब प्रभु को जन दिंट, महाप्रभु सुख दुख सब आपणकर, आम आपणकर प्रभु आपण होती आमर। सिंहद्वार सिंह पश्चात भागर ये दृश्य ये चित्र आम दर्शन करुचे। भक्त मान पाद धोईकिरी जल अभिसिंचन करी मस्तक अरुण स्तंभंकु स्पर्श करी नीलाद्रीनाथंकर नीलकंदर नाथंकर दर्शन करिवा पाई पादटी केते व्यग्र होकरी चंचल होकरी पड़ुचे आपण देखंतु भक्तंकर। आउ भक्त जेतेबेले आसुछंती हाथ जोड़ी हो जाउची आपे आपे महाप्रभुंक पाखुक आसुछंती। आहा पति तपावन नेता आज लाल रंगर ध्वजा आज नाली रंगर पताका अनेक मालातीत पताका सहित नीलचक्र पतित पावन नेत महाप्रभुंकर विशाल श्रीमंदिर दर्शन करुचे। एपटे पूजा पंडा सामंत महोदय आसी उपस्थित हेले प्रभुंकर सन्निधि आरती तो दर्शन करवा। आपण माने निश्चित भाव प्रतीक्षा करिसेंती अपेक्षा करिसेंती केते बेले आरती हबो। कार्तिक मासर आरती संध्या समय आरती तेणु प्रतीक्षा करिछु केते बेले आरती दर्शन करवा। निश्चित भाव खूब कम समय भितर आरती हबो दर्शन करवा। आज्ञा एपटे सिंहद्वार को थरु टे देखंतु आज सतेजपुरी समस्त हसुचंती काहीकि
ना प्रभुंकर सानिध्य प्राप्त हो जावापर से जड़टीय होना कहीं से मध्य परमानंद को लाभ करिथाय। ये दुईटी सिंह सिंघी बोली कह जाए सिंह द्वार कहुचे किंतु ये होंगे सिंघी कहीं कहीं सिंघी बोली कही था एवं धर्मर प्रतीक कार्तिक हविष्याली माँ मैंने देखत किपर भाव दर्शन पर प्रवेश करद्वार मार्ग दे कि तो जितेबले भृगु आदि ऋषि मैंने यज्ञ कर किए हूँ श्रेष्ठ जी श्रेष्ठ ताकू वरण करने को चिंता कर ऋषि मैंने समस्त ऋषि महर्षि भृगु को कहले आपण परीक्षा करसतु आम क्या वरण करवा किए हूँ श्रेष्ठ जगते देव देव तीन विष्णु शंकर पद्म जोनी ये तीन जन भितर किए श्रेष्ठ ए तीन मध्ये जे कारण से आंभ यज्ञ रे वरण किए हूँ श्रेष्ठ आम क्या आम यज्ञ वरण करू ऋषि मान चिंता करिछंती ये कथा भृगु को दायित्व देले कले हे ऋषि आपण परीक्षा करके टिके आसिले ऋषि भृगु जेतेबेले जाइकिरी परीक्षा करिया पई जाइछंती तीन देवों मध्यरु श्रेष्ठ किए ब्रह्मा श्रेष्ठ ना विष्णु श्रेष्ठ ना महेश्वर श्रेष्ठ वास्तविक ऋषि माने सब जानिछंती मात्र लोक शिक्षा पई एपरि करिछंती भृगु जेतेबेले ब्रह्मा निकट को गले भृगु आग सर्वप्रथम ब्रह्मा निकट को जाकि जाणीशुणी प्रणाम न करी अवमानना करिवार छलना कले भृगु ऋषि ब्रह्मा सेते बेलकू मन मन खूब रागिगले ब्रह्मा रागिकी चिंता करुछंती मु ब्रह्मा तथापि मते भृगु प्रणाम करूनाहंती मात्र पुत्र भृगु को दंडित न करी छाड़ीदे ब्रह्मा एपटे भृगु देखुचंती ब्रह्मांकर क्रोध को ब्रह्मांकर क्रोध को देखिकिरी भयरे भृगु प्रणाम करिकिरी सेठारु चली गले ब्रह्मलोकरु फेरिकिरी कुआडे गले कैलाश को गले देव देव महादेव आशुतोष शशांग शेखर भगवान चंद्रमौली कैलाश रे विराजमान करिछंती कैलाश रे पहुंचिले भगवान शंकर आउ जते बेले कैलाश रे पहुंची छंती शिव भगवान शंकर तंको आलिंगन करिबा को आसी छंती भृगु किंतु से आलिंगन देले नाही बरम कटु कथा कहिकिरी तंको अणदेखा कले भगवान शिवंकु शंकर मध्य रागिगले शिव जते बेले रागि जाई छंती क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट भगवान शंकर त्रिशूल उंचेकिरी मारिबा को जते बेले उद्यत हेई छंती भृगु काडी को आसी छंती भगवती माँ शिवानी अनुरोध रे छाड़ीदे भगवान शंकर आठारू भृगु जाइकिरी भृगु सेठारु मध्य फेरी आसिले भृगु ऋषि सेठारु फेरी आसिकिरी कुआडे गले वैकुंठ लोक को गले वैकुंठ रे जेतेबेले जाइकिरी पहुंची छंती भृगु क्षीराब्धिरे अनंत शयन रे भगवान महाविष्णु को देखिले शयन करिछंती डाक पकेले ओ विष्णु ऋषि भृगु डाकुछंती विष्णु को डाक पकाउछंती हे विष्णु उठ 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 ऋषि भृगुंकर डाकरे भगवान विष्णु न उठिबार जाणीशुणी आज्ञा प्रभु टिके कारण प्रभु सबू जानती प्रभु सर्वांतर जामिन महाप्रभु जाणीशुणी उठिले शोइले शोइबार अभिनय कले भगवान विष्णु जेतेबेले शोइबार अभिनय करिछंती विष्णुंकर बक्षरे पाद प्रहार कले भृगु श्रीवत्स नामक ब्राह्मण श्रीवत्स नामे एक द्युज हृदय माइला नात तुम्भे हृष्ट होई हसिल तुम्भ महिमा अंत भगवान विष्णु तत्क्षण निद्रार उठी गले
आ प्रभु निदरु उठिकरी कौन कले ब्राह्मण को क्षमा मागिकरी तंकर चरण सेवा करबा को लागिले आहा या को कौन कुहा जाए कहले ये हूँ गभा जगन्नाथ महाप्रभुंकर मस्तक ये अलंकार रही था जहाँ गभा बोली कह जाए केवल महाप्रभुंकर मस्तक गभा तो गोटे आभा आई लगा केवल महाप्रभु मस्तक देखुना आलती दर्शन परत भिड़ आम दर्शन करवा आज्ञा आलती आपण मैंने प्रतीक्षा करें भी प्रतीक्षा करते आलती दर्शन करूँ प्रभुंर कथा शुणुचे प्रभु जिते बड़े आलती दर्शन देवे सेत तो ऋषि भृगु जिते बक्षस्थल को आघात कर भगवान भगवान निद्रे उठिकी तत्क्षण क्षमा मागिकी चरण सेवा करने को लगिले कहले मो कठोर बक्ष रे तुम कोमल पद बाजिकी निश्चय कष्ट हे भृगु आहा ब्राह्मण प्रिय भगवान ऋषि चरण धौत करते पादोदक वैकुंठ सिंचन कले उत्तम आसन बसईले कोमल मधुर वचन संभाषण कले कौन कौन भगवान भो विप्रवर मोर हृदय कमल बसी ब आनंदे श्रीवत्स ब्राह्मण जो पादरे आघात कले भगवान कौन कौन हे विप्रवर मोर हृदय रे विष्णुंकर वक्षस्थल से जो लक्ष्मीयुक्त चिन्ह को श्री वत्सलांचन बोली कहते आज भी देखिए जिते विष्णुंकर विग्रह पाद चिन्हटे थब विष्णु महिमा गुण देखी भृगु बुझिले बेनी आखि भृगुंकर आखि बंद हो गला भावरे आखि बंद हो गला कहले प्रभु कौन कली मु भावरे भोल होकर भृगुंकर नयन रु प्रेमाश्रु विगलित तो है लोम पुलकित तो उठिला कंठ गदगद हो उठिला विष्णुंकर एतादृश सहनशीलता शांत निरहंकार गुण को देखी दंडवत प्रणाम कले भृगु सेठारु बाहुड़िले यज्ञस्थल को आउ फेरी आसिकी ऋषि मानंकर आगरे सकल समस्त कथा कहले कहले ब्रह्मलोक को जाइथिली शिवलोक को जाइथिली विष्णुलोक को जाइथिली जहाँ जहाँ जोठी जहाँ घटिला सबु कथा ऋषि मानंक आगरे यज्ञस्थल बखाणिले आउ कौन कहले ऋषि भृगु समस्त वृत्तांत जिते बड़े ऋषि कही भृगु ऋषि ऋषि मान स्थिर कले विष्णु ही होती यज्ञ पुरुष आउ वरण करा उचित जे हरि जगत ठाकुर मित्र ऐरी नाही जार तार स्मरणे मन शांति न लागे भव बंध भ्रांति जा प्रिय रूप सत्व गुण जा इष्ट देवता ब्राह्मण ताहांकु यज्ञ पूजा करी सक तेणु तांकु ही यज्ञ रे पूजा करिबा सकल दुख पहरी गोविंद पादे ध्यान करी हेले तरिले भव बारी भगवानंकर कथा कहीं निर्दिष्ट भाव रे कही पारिबे नाही से महाप्रभु जगन्नाथ सकल देह रे विद्यमान होइकिरी साक्षी रूप से महाप्रभु थांती जे चतुर से तंकु भजन करी जन्म मृत्यु चक्रु निस्तार पाई जाए जे चतुर आमे माने आमे कही था आमे आम भितर कही था चालाक किए बोका किए चतुर किए बुद्धिमान किए मूर्ख किए आमे एमती कथा आम भितर कथोपकथन हो था किंतु चालाक हूँ किए चालाक सीए जी भगवान को भजन करे सी हूँ प्रकृत बुद्धिमान जी सबको छाड़ी प्रभु को धरी आ प्रकृत मूर्ख हूँ ये संसार सीए जे प्रभु को छाड़ी संसार को धरी प्रकृत बुद्धिमान किए जे सबु छाड़ी प्रभु को धरी प्रकृत चालाक हूँ सीए भगवान को भजिकी ये जन्म मृत्यु चक्रु निस्तार पाए आ प्रभुंकर ऐश्वर्यमयी जो अलौकिक लीला को श्रवण करी परमार्थ प्राप्त हुए तेणु महाप्रभु होती भारी दयालु सेमती द्वारका नगरी जन ब्राह्मण नौटी पुत्र थिले
द्वारका नगरी रे जने ब्राह्मण कर नौ गोटी पुत्र जन्म मात्रे मृत्युवरण कले। प्रतिथर मृत पिंड को धरिकी राजा सिंह द्वार रे जितेबेले बसिकी पुत्र शो करे राजा उग्रसेन समेत कृष्ण बलराम को भर्त्सना करिकी दोषी सब्यस्त कले। कहले ब्रह्म हिंसक जदुवंश षठ हृदय अविश्वास निर्दय बुद्धि दुराचार दुशील पापिष्ठ पामर मो पुत्र जन्म काले मला एमंत बोली शोक कला। अवश्य जदुवंशी माने एभली नथिले तथापि ब्राह्मणंकर कहिबा मध्य यथार्थ जे भली रामराज्य पिता आगर पुत्र मरिबार दोष श्रीराम को दि जाऊला से कृष्ण राज्य कृष्ण को मध्य दोष देवा असमीचीन नुहे। जड़े धर्मपरायण राजा राज्य रे ये भली घटना घटवा ठीक नुह से प्रत्येक थर कृष्ण ये कथा शुणिकी नीरव रहंती आउ ये समाधान समय जत उपगत ब्राह्मण ब्राह्मणी कृष्ण निंदा करूला समय रे अर्जुन पहुँचिक सब कथा बुझिले आउ कृष्णंकर निंदा सही पारे ना अर्जुन कारण भगवानंकर निंदा केत भक्त सही पारती ना तेणु निंदा सही न पारि अर्जुन कौन कले एथर ता पुत्र को रक्षा करने को प्रतिज्ञा कले। आउ ब्राह्मण जिते ताल्य करें बड़ बड़ गले तुम कुआ आसिल किए बड़ बड़ गले फसर फाटी सान आसिले बेसर बाटी जो कृष्ण बलराम प्रद्युम्न सात्य कि असमर्थ हेले सेठी अर्जुन कौन करे अर्जुन रक्षा करवा से असंभव तथापि अर्जुन रक्षा कर न पारे अग्नि झास देवा कथा कहले कौन से मत ब्राह्मण मन में जिते निजर पराक्रम विषय विश्वास जन्मे अर्जुन प्रसूति भवन को सरवार घेरईक रखिले जमी भितर को कहीं प्रवेश करें कि शिशु को नहीं पारे ना कितु कौन है ना एमते जन्मिला नंदन अर्जुन शुणिला रोदन भूमि न पड़ू शून्य गला बाड़क कहीं न देखिला। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कार कले आहा देखु कर्पूर लगि सरला आम आउ कहीं विलंब करवा सिंह द्वार आज भिड़ प्रत्येक भक्त हृदय भितर जगन्नाथ जगन्नाथ मुखरे जगन्नाथ जगन्नाथ दुई हाथ ऊपर को ऊर्धवाहु तोली दौंट भक्त मैने महाप्रभु मध्य कर्पूर लगि होकर कालिया सामंत कला श्रीमुख कि सुंदर चिक्कण कला श्रीमुख दर्शन करंतु आहा महाप्रभुंकर श्रीमुख दर्शन करुचे आसंतु भावपूर्ण भजन को श्रवण करवा संगीतमय परिवेश रे आलती दर्शन करवा कंठदान करिछंति महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका सुकंठी गायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल माँकर भावपूर्ण कंठरु जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आहा कि आनंद, आज कि आनंद। बड़दाण्डर दृश्य को देखंतु आपण माने, आरती दर्शन करिबा पई केते भिड़। आज अगणित अनंत भक्त माने, कार्तिक व्रती माँ माने, आज महाप्रभुंकर दर्शन करिबा, आरती दर्शन करिबा पई आज आसीथिले। आरती दर्शन कले, जगन्नाथ महाप्रभु पतित पावन नारायण को दर्शन कले, भरोसा करिकिरि आसिछंती महाप्रभुंकर दर्शन करिबा पई, कंबु कटकर राजांकर आरती दर्शन करिबा पई। से कंबु कटक राजा नाम जगन्नाथ, चारि बर्णे चौबर्ग देवाकु समर्थ, भरोसा करिया संति दूर देशु प्राणी। महाप्रभुंकर दर्शन करिबा पई आसीथिले अनेक भक्त मान। आरत भंजन दिन बंधु नाम सुनी, हे महाप्रभु आपणकर आरत भंजन दिन बंधु नाम को सुनिकिरि मु धाई आसीछि, दौड़ी आसीछि आपणकर पाखकु। ए भाव महाप्रभु मध्य देखंतु, अपलोक नेत्र रे चाहि रहिछंति निज भक्त मानंकु। कथा कहुनाहंती सिना, किंतु जगत मोहि दउछंति। आ महाप्रभुंकर जो दृष्टि, महाप्रभुंकर जो चाहणी, महाप्रभु केमिति चाहिछंति समस्तंकु समान दृष्टि रे चाहिछंति। कथा न कुहंति जगत मोहंति, सबुठारे समा काल दंड भय करिबा कु क्षय निरंतर ऊर्ध्ववाहा। काल दंडर भय को क्षय करिबा पई महाप्रभु दुई हाथ को ऊपर को टेकी रखिछंती सब बेले। हे महाप्रभु धन्य धन्य आपणकर भक्त माने, सुंदर भावरे पतित पावन नारायणकर दर्शन करुचे। तो किए किए सप्त चिरंजीवी, जहाँ प्रसंग रही सप्त चिरंजीवी किए, सेमानंकर नाम कौन? तेणु सप्त चिरंजीवी होती, प्रथमे यदि चिरंजीवी नाम आसे, प्रथमे हनुमान, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम एवं राजा बलि होती, इमान होती सप्त चिरंजीवी एवं बा इमान होती अमर परशुराम, बलिर्व्यास, विभीषण, हनुमान, महर्षि, वेदव्यास, कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा, ये होती सप्त चिरंजीवी। इमाने सात जन जाक होती दिव्य शक्ति संपन्न युक्त, इमानंक पाखरे दिव्य शक्ति एवं एमिति मध्य मान्यता अछि जे आजि मध्य इमाने पृथ्वी रे अछन्ति, आजि भी मध्य इमाने जीवित अछन्ति। परशुराम, राजा बलि, विभीषण, विभीषण त आसिछन्ति दर्शन करिया पई एवं जहार प्रमाण मध्य रहिछि, एबे मध्य प्रमाण स्वरूप महाप्रभुंकर सेवक सतीशानि योग महानायक श्री पाटुजोशी महापात्रंकर स्वगृहरे आज मध्य विभीषणंकर कंकण पूजा पाउछ, आज भी मध्य विभीषणंकर कंकण रहिछि पाटुजोशी महापात्रंकर घरे। एवं जहाँ परंपरा जे महाप्रसाद मध्य रखा जाउथला, महाप्रसाद घी एपरि भावे प्रत्येक दिन रखा जाउथला, तेणु इमाने आज भी मध्य पृथ्वी रे जीवित होकर अछंती सप्त चिरंजीवी। परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, हनुमान जी तो महाराज तो चारि युगरे, चारो युग परताप तुम्हारा होय पर सिद्ध्य जगत उजियारा। सप्तैतान सर्वभरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवे दुर्श शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम एवं जो अष्टमरे जो चिरंजीवींकर नाम आसे से होती मार्कंडेय ऋषि। तेणु यहीपरी भाव
शास्त्र रे वर्णना आसे सप्त चिरंजीवी विषय रे पौराणिक कथावस्तु रे सात जन अमर व्यक्ति मानकर दिव्य पुरुषंकर नाम मिले। इपटे भक्त संध्या समय जेहेतु टिके प्रभुंकर दर्शन तो निश्चित भाव करने को मन बढ़ई जिते बड़े आसी दर्शन करने एवं जो सप्त चिरंजीवी ये सप्त चिरंजीवी मध्य देखु ये आखिर लोतक झरुच मुखर कि गुणुगुणु हूँ भक्त मान प्रभु को गुहारी करेक भक्त मान मन भितर प्रश्न आसवे एत दूर से थी प्रभु को स्तुति कले कौन प्रभु शुणे प्रभु प्रभु को जो डाकिले प्रभु से शुणे भक्त वत्सल भावग्राहिता नाम तेणु चका चका आखि को चाहकरी देखु जड़े माँ किपर स्तुति करखि लुह झरुची कि सुंदर चका कला डोला मुख पद्म नयन कुदि से माधुरी भक्त जन चित्त चातक उल्लास बरसी आसे की करुणा बारी भज नीलाचल बिहारी। महाप्रभु आखि को चाहदे दुख दूरे जाए जगन्नाथ महाप्रभु आखि को केवल चाहदे ये आखिरे एमती जादू अच्छी या आखिरे एत आकर्षण अच्छी एत शक्ति अच्छी जे भक्त केवल या आखि को चाह दिंती आखि को चाहदे भक्तर निज निजर दुख को भूली जाती दुख बोली आ कि रहे ना ये आखि को जी चाह दिंती आहे कला कर मुख पांडव रक्षक से मुख दर्शने पाप नर हई पाख। भक्त आज कहते हे महाप्रभु मु पतित मो गुहारी श्रवणी अक्षम अजामिल ठारू मु कि अटई अधम ताहाकु तारिल प्रभु कटाक्ष मात्र रे सही परिदृष्टि पड़ु मऊ परे थरे। ये भजन बहीटे धरीचं बहीर नाम पुस्तक नाम भजन पंचामृत पुस्तक को धरिकी माँ कालिया सामंतंकर आगरे बसी पड़िछंती श्री प्रभुंकर भजन को गान करुछंती प्रभु आपणंकर धाम रे बास करी आपणंकर दर्शन सहित आपणंकर कथा श्रवण आपणंकर स्तोत्र मंत्र इत्यादि को पठन करिवा या ठारु दुर्लभ कथा सौभाग्यर कथा किछि नाही। सिंहद्वार सबुबेले भिड़ सिंहद्वार टी आपण देखिबे जेतेबेले देखिबे सबुबेले आज्ञा भिड़ होइकिरि थिबो भक्त मानंकर यातायात देखुनांति केही केही भक्त जाउछंति दर्शन करिवा पई एपटे देखंतु अरुण स्तंभ पाखरे दीपटिए जळुछि आउ से दीप उपर हाथ रखिकिरि अनेक भक्त आलती आकार रे सते आलती रूप से स्वीकार करी ग्रहण करुछंति आलती नउछंति अरुण स्तंभ को स्पर्श करुछंति आग पाद धोइकिरि आसुछंति छावणी मठ सम्मुखरे थिबा पाद धौत कुंडरे पाद को धोई भल भाव रे कारण बिना पादेन धौतेन स्नात्वा गच्छति मंदिरम पाद न धोइकिरि केतेबेले मंदिर को प्रवेश करिवे नाही आ अरुण स्तंभ को जी जो पटु स्पर्श करुछंती कारण प्रत्येक चारिपटु स्पर्श करि पारिबे अरुण स्तंभ आ अरुण स्तंभ पर देखिए चाउल पड़ी कारण जेहेतु कार्तिक मास ये कार्तिक मास रे हविशाली व्रती माँ मैंने कौन कराखे दुईट जिनस सब थाए गोटे हूँ संज बती बलिता जेकोसी मंदिर को जब दीपटे जलु थब दीपटे आग लगेदेवे कारण ये मसरे जेहेतु दीपदान हूँ प्रधान एवं अक्षत चाउल टी दान कर मुठे होना कहीं तेणु से अरुण स्तंभ पर चाउल पड़ी आपड़ देखु महाप्रभु कला श्रीमुख को दर्शन करें घरे बसिक जय जगन्नाथ टीर सीधा प्रसारण
घरे बसिकी निज टीवी परदारे पुरी रु प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर सीधा प्रसारण रे दर्शन सह माँ बाटमंगलांकर दर्शन विभिन्न तीर्थ दर्शन ओ महोदधी आलती दर्शन पुणी महाप्रभुंकर वर्ष सारा होता समस्त बाहर दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखते केवल जय जगन्नाथ टीवी। जय जगन्नाथ टीवी हूँ सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क चतुर्थ चैनल। पवित्र कार्तिक मास जेहेतु पवित्र कार्तिक मास उपलक्षे प्रत्येक दिन राति आठटे सिंहद्वार सम्मुखरु सीधा प्रसारण रे विज्ञ प्रवचक मानंकर ठारु शुणुछन्ति आपण माने कार्तिक महात्म्य पुराण संपर्क रे कार्तिक महात्म्य कथा एवं कार्तिक मास सारा परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु देखन्तु प्रत्येक दिन सकाळे हविष्यालिंकर चौरा पूजा और संध्यारे आकाशदीप उठिबार सीधा प्रसारण केवल जय जगन्नाथ टीवी। पतित पावन नारायण को दर्शन करुचे आहा देखिले कि सुंदर रूप कि सुंदर ये बेश कि सुंदर ये हस महाप्रभुंकर भक्त कहते हे महाप्रभु ये आखिरे ये रूपरे मु बुड़ी जानती कि ये कौ सुंदर रूप सखी नवघन कालिया बदन कि शोभा दिशुचि अनागो सही परा वृंदावन धेनु चरा नंदर नंदन कान्हा गो जगन्नाथ आई नुंत महाप्रभु ही कृष्ण रूप से महाप्रभु ही राम रूप से लीला कर जगत रे जहा देखु सब महाप्रभुंकर अंश सर्वम जगन्नाथमयम सबकि जगन्नाथमय सुंदर भाव भक्त माने दर्शन करुछंती तुम आखि साथे आखि मिसी गले आखिरे आखि लुह आखि केबे हसे आखि केबे रुसे आखि करी दिए मोह कथा कुहा चका आखि से आखि मायारे सबु आखि बंधा आखि जगतर साखी ये आखि होउछि जगतर साखी आ महाप्रभुंकर ये जो आखि ये आखि को मुनि माने ऋषि माने पंडित माने कमल सहित तुलना करिछंती माने महाप्रभुंकर आखि होउछि पद्म पंकज नयन पंकज चरण पंकज नाभ पंकज नयन आया ही नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे महाप्रभुंकर कमल आखि आउ कमल उपर किए सब आकृष्ट होकरी थाए भौरटी पद्म फूल भौरटी बसवाप भारी भल पाए कला कले बर कमल आखि भकत भ्रमर भ्रमित देखी भकति केसर मुकति महू सेई महू पी जीवन जाओ भक्त कहते महाप्रभु सेई महू पी करी जीवन जाओ तेणु अरुणस्तंभ को ये स्पर्श करुंच आग भक्त अरुणस्तंभर पीठ देश को स्पर्श कर पीठ देश को स्पर्श कर महाप्रभुंकर दर्शन पाई आगुक जो पाद पकाउं पतित पावन नारायण दर्शन मिलू भक्त आग आनंदित जा महाप्रभु को दर्शन करी नीलाद्रि सिंह दर्शन करी कारण जो दर्शन देवता माने पाती ना से दर्शन जिते बड़े जीव मान प्राप्त हो जाए सही दर्शन जिते आम मान प्राप्त हुए देखुना कड़े आनंदर सहित भक्त आगु आगुक चली चली आसुच्च समस्त उठे हस आनंद परमानंद ब्रह्मानंद जगदानंद जगत आनंद कंद प्रभुंकर जेहेतु दर्शन पाई जाऊँगी सबकि समस्ते आनंद आनंदर सहित आसुच्च महाप्रभुंकर दर्शन करने प्रभु को दर्शन करे कारण ये दर्शन तो माने प्रभु को करे आक्त ये कहते हे महाप्रभु यही पूरी रे मुझे रही जाती पूरी रे मत रखी दिंते कौटी अंजलि रे जल पी पिंधु थी बकल करी बसन सचिपति पद तुच्छ मणु थी सचिपति पद तुच्छ मणु थी
सची कहिले इंद्रंकर पत्नी सचिवा भवंतु। तेणु सचिपति माने इंद्र पद को तुच्छ मणि थाए भक्त एठी परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र भिक्षुकटे जो भिकारीटी को देखती स्वर्गर देवराज इंद्र से निज पद को तुच्छ बोली मनती धीक मो इंद्र पद को स्वर्गर राजा ही देवराज ही किलाभ इति परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नीलाचल रे इति गोटे भिक्षुकटे को जो जो महाप्रभु जो कृपा करिछंती से कृपा मते प्रभु करिनांती देवराज इंद्र तुच्छ बोली मन करती निज पद को कारण परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जे रहिला ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जो पवन बहुची ये पवन रे मध्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर तत्व इति नित्य क्षेत्र रे बास महाप्रसाद सेवन सचिपति पद तुच्छ मणु थीबी थिले तुम्भ सन्निधान आपणंकर सानिध्य जतेबेले मिलि जाए सेतेबेले इंद्रपद मध्य तुच्छ महाप्रभु इंद्रपद मध्य तुच्छ हो जाए नील नव घन सुंदर बदन श्रीमुख माधुरी अति शोभा श्री शिखी पिछ मालती बकुल झिंकारी मधु पकुल प्रभा यही रूप को सबुदिन महाप्रभु अवलोकन करुथाय इतिकि कृपा करंतु महाप्रभु क्षीरमय सिंधु जे महाप्राण बंधु तुम्भे त जगत पति टेकी समदृष्टि पताका एकी पक्षपात नीति हे महाप्रभु समदृष्टि महाप्रभुंकर ये दृष्टि समस्तंक उपरे समान जे आसीब जे देखिबो से कहिबो मो महाप्रभु मते चाहिछन जे देखिबो से कहिबो महाप्रभु मोर समस्तंक पागल करिछन्ति महाप्रभु तुल गोस्वामी तुलसीदास हुअंतु गुरु नानक हुअंतु संत कबीर हुअंतु मीराबाई हुअंतु जिते साधु संत आसी समस्त महाप्रभु को देखिकी पागल हो जाइछन्ति आउ कहिछन्ति महाप्रभु आपण होछन्ति मोर आपण होछन्ति मोर आउ भक्त जेतेबेले एठी ये क्षेत्र को पलै आसन्ति जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेतेबेले पहुंचि जाय जने भक्त आउ अरुण स्तंभ पाखरे आसिकरी दंडायमान हुए पतित पावनंकर रूप को देखी से कौन कहे हे महाप्रभु भुक्ति मुक्ति मोर लोड़ा नहीं प्रभु लोड़ा नहीं बड़पण मोर भुक्ति लोड़ा नहीं मुक्ति लोड़ा नहीं बड़पण मध्य लोड़ा नहीं हे महाप्रभु प्रभु कहले ताले कौन दरकार केवल श्रीपाद पद्मरे भकती रही थाउ निरंतर आपणंकर श्रीपाद पद्मरे केवल भक्ति मते प्रदान करंतु आउ निरंतर भक्ति अचलाचल भक्ति दियंतु नाथ आमे आमर प्रारब्ध भोग करुचु जहाँ भोगिबा पई आमको आपण पठे छंती संसार को आमे ताहा भोगिबू आउ सुख दियंतुनी कि मो भाग्य जहाँ अच्छी प्रभु आम भोगिबू भक्त यही कथा कहते मत जदि देवे कौन चाहूंट आपण अचलाचल भक्ति दियंतु प्रहलाद कौन कहले प्रभु को भगवान नृसिंह जितेबाला प्रहलाद को कहते हे प्रहलाद कौन बर किसी माग मु दवा को तुमको चाहूँ प्रहलाद कहते यदि राशि समे कामान बरास्त्वं बरदर्शभ कामनं हृदय संरोहम भवतास्त्वं वृणो वरम प्रभु जदि दबा को मते चाहूछंती मोर किछि दरकार नाही तथापि जदि आपण कृपा करिकरी मते किछि दबा को चाहूछंती हे कमल नयन मते एही वर दियंतु जीवन भितर मोर मागिबार इच्छा किछि न रहु मोर केवल आपण दरकार प्रभु आपण को छाड़ी आउ कौन मागिबी
भक्त देखुनाहांती सुंदर भावरे आज महाप्रभु पाख को आसी दर्शन करने कालिया सांत को दर्शन करिवे महाप्रभु को गुहारी करिवे आहा महाप्रभुंर रूप देखु जाई जुई मल्ली मालती सेवती ढंडा माल हृदय छंती भरी चका नयन कु किशोभा दिशुची चका नयन कु किशोभा दिशुची कालंदी जले कि आसे लहरी भज नीला चल बिहारी महाप्रभु इठी केते प्रकार सुंदर फूल रे माल होई आई माल महाप्रभु श्री अंगरे धारण करिछंती जाई जुई मल्ली मालती सेवती हृदय धंडा माल किरीट कुंडल मदन गोपाल प्रभु साखी गोपाल वृंदावने मेल आहा इठि बड़दाण्ड मध्य देखंतु आज जन समुद्र महाप्रभु को दर्शन करने अनेक भक्त मान आज आसी प्रभु को दर्शन करिवे कालिया सांत को दर्शन करिवे तेणु से ही भाव आज आसी महाप्रभुंकर अवलोकन करने परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र को जो क्षेत्र को पल आसवा पर कारण कलि जुगरे जी हूं कलिजुगर आराध्य देवता चारिजुगर आराध्य देवता होती जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ शरण गले आह देखुना दुई हाथ भक्त मान उपर को टेकि दौंट तेणु महाप्रभु को कौन कहवा प्रभु मगुना प्रभु कुबेर संपद मगुना इंद्र पद महाप्रभु मगुना इंद्र पद जेते सबु पाप करिछि अधम कृपा बले कर छेद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आहा महाप्रभु को प्रणाम करिवा प्रभुंकर बड़ बड़ चकाखी को दर्शन करिवा बड़ बड़ चकाखी बलियार भुज देखी आनंदे विभोर हुए मन मोहर प्रभुंकर दर्शन करिवा जेतु समय आसी उपस्थित होलानी अकिंचन बाणी को विराम देव आवे आसतु आम जानवा जय जगन्नाथ टीवीर कौन रही कार्यसूची से संपर्क अवगत होगा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री